बहत्तर हूरे जो कि सात जुलाई में आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है आज हमारे साथ उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है तो सर पहले सबसे आपसे जानना चाहूँगी कि बहत्तर हूरे ये जो नाम ही सामने आया है बहुत ही सस्पेंस क्रिएट कर रहा है बहुत ही क्यूरियोसिटी जता रहा है आ, क्या मायने रखता है क्या मतलब है इस बहत्तर हूरे का देखिए ये सही कहा आपने नाम जब से ये इसका टीज़र आया है पोस्टर आया है तब से ही इसके बारे में चर्चा हो रही है और कई रीज़न्स की वजह से क्योंकि इंटरेगिंग लग रहा है कि बहत्तर हो रही क्या है एग्जैक्टली ये क्या है इसको जानने के लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी लेकिन फिल्म के बारे में थोड़ा बताते हुए कि ये आतंकवाद के बारे में बात कर रही है किस तरीके से फिदाइन फ़िदाइन वो लोग हैं जो ह्यूमन बॉम्ब्स होते हैं उनको किस तरीके से तैयार किया जाता है और क्या कुछ एक तिलस्म क्रिएट किया जाता है बहादुर हूरों का उन सब के बारे में ये फिल्म बात करती है जी आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप अपने पैसे लगा रहे हैं इस पे हाल फिलहाल में देखा गया कि जितनी भी जो एक धार्मिक फिल्में रही हैं या फिर किसी के एक मैं कहना चाहूँगी फिल्में रही हैं जहाँ पिछले द केरला स्टोरी आई थी कश्मीर फाइल्स आई थी या वैसे में क्या सोच कर आपने इस पर पैसे लगाने के बारे में सोचा है कि क्योंकि फिल्में अच्छी गई इसके लिए पैसा फ़िल्म में सबसे पहले इसलिए लगाया जाता है कि एक अच्छी फिल्म बने उसका अच्छा निर्माण हो उसका अच्छा रिलीज़ मिले और अच्छा पैसा कमाया जाए ये मूलभूत आवश्यकता है ये मूलभूत सोच है हर प्रोड्यूसर की लेकिन पैसा कमाने के साथ व्यवसाय करने के साथ साथ फिल्म का जो कहानी है उसका जो कथा है जो उसका चित्रण है वो ऐसा हो कि मनोरंजन के साथ समाज को दशा और दिशा भी दे ये एक ऐसी फिल्म थी जो तीनों चीज़ें एक साथ लेके चल रही थी तो यही सोच के हमने कहा कि ये फिल्म हमें बनानी चाहिए जी बट यहाँ जो ट्रेलर भी सामने आया है उसको सेंसर की तरफ से कहीं ना कहीं आना कहानी की जा रही है पास करने में हालांकि फिल्म तो रिलीज़ हो ही रही है लेकिन इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या जो सेंसर बोर्ड पास कर रही है उन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या उन्हें ये कहीं ना कहीं कुछ अलग मैसेज देती हुई दिख रही है देखिए सरप्राइजिंग बात रही है कि फिल्म जो सेंसर बोर्ड से सर्टिफाई हो चुकी है उसके ट्रेलर के ऊपर उनको मॉडिफ़िकेशन्स चाहिए या वो और हम शुरू से एक स्टैंड लेके चल रहे थे कि हमने फिल्म के अंदर से ही शॉट्स लिए हैं और उनका इस्तेमाल हम ट्रेलर के अंदर करना चाहते हैं सो so, उनकी आ, एक काम करने का एक तरीका है उनका एक सोचने का तरीका है जो उन्होंने मॉडिफिकेशन या कट्स के लिए बोला है वो अनप्रेसिडेंटेड बात नहीं है ऐसा होता है मगर वो आ, उसके लिए समय की भी ज़रूरत होती है फिर जब अगले ही दिन आपका ट्रेलर रिलीज़ होने वाला है और फिल्म की रिलीज़ में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है सिर्फ दस दिन ही बचे हैं आपकी फ़िल्म के रिलीज़ होने में आज तो सिर्फ छः दिन बचे हुए हैं तो बहुत सारी संभावनाओं के ऊपर फ़र्क पड़ता है अगर बेहतर तरीके से जल्द ये निर्णय लिए जाएं और दि, वक्त दिया जाए फिल्म मेकर्स को ताकि वो अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय की ज़रूरत होती है तो आप इस पूरे जो प्रकरण है इसके ऊपर जो मेकर के तौर पर और जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी ये मानना है कि ये प्रोसेस जल्दी होना चाहिए आप एक दिन पहले बताते हैं कि मॉडिफिकेशन चाहिए और हम आज भी उसी चीज़ पर करते हैं कि हमने फिल्म के जो शॉट्स यूज़ किए हैं वो फिल्म सर्टिफाइड है आप उसे सर्टिफिकेशन दे चुके हैं तो फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन क्यों चाहते हैं आप इसे किस तरह से देखते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धर्म से इसे जोड़ा गया है जो स्टोरी लाइन भी है आप चाहे आतंकवाद की बात की जाए या फिर जो सिनारी भी हम देख रहे हैं आप इसे किस तरह से देख रहे हैं धर्म से बिल्कुल नहीं जोड़ा गया है लोग अपने आप अपने कोई विचारधारा बना के धारणा बना करके कोई अगर इस उस चश्मे से देख रहा है तो वो उसको आ, वो अपनी उसकी व्यक्तिगत विचार हो सकता है लेकिन हमने जो बात की है वो आतंकवाद की बात की है आतंकवाद के उस टूल किट की बात की है जिसके तहत आतंकवादी पैदा किए जाते हैं और डिस्ट्रक्शन किया जाता है आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि धर्म से नहीं जोड़ा जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अल्फ़ाज भी यूज़ किए गए हैं जहाँ अल्लाह अकबर की जिक्र की गई है और भी कई सारी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं जो जो, जो आ, मुस्लिम कल्चर को फॉलो करते हैं रिलीजन को फॉलो करते हैं उनकी कहीं ना कहीं धारणा हो टोरी हो क्योंकि जब भी टेररिज्म की बात आती है कहीं ना कहीं यही चीज़ आ जाती है आतंकवादी अगर किसी वर्ग विषय से आता है किसी भी चरित्र की अगर आप चित्रण करते हैं कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी खास समाज का अंग है उसके बारे में हम चर्चा करते तो उसका हाव भाव बोल चाल भाषा वही दिखाई जाएगी ना एक आतंकवादी जो पाकिस्तान से आता है मुसलमान परिवार में पैदा हुआ है वो आतंकवादी बन के एक आत्मघाती बम बन करके के लोगों को मारने आया है तो वो निश्चित सी बात है कि वही भाषा बोलेगा जो पाकिस्तान में बोली जाती है वही बातें करेगा जो पाकिस्तान में करी जाती है अब आप हमसे ये चाहते हैं कि व्यक्ति दिखा रहे हैं आप पाकिस्तान का बात कर रहे हैं आप आतंकवाद की और भाषा बोले एक पंडित की ये तो संभव नहीं है तो इसका मतलब ये है आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले जितने भी जो हिस्टोरिकल भी रहे हैं चीज़ें उनमें कहीं भी हिंदुत्व या फिर जो बोली है एक हिंदू की उसे कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया गया है टेररिज्म की जब बात होती टेररिज्म में हिंदू बेचारा कहाँ इन्वॉल्व होता है आप बताइए कहीं पे हिंदू का आज तक के इतिहास सदियों का इतिहास उठाइए कि किसी भी आतंक का हिंदू से कभी संबंध रहा है क्या ये जो धर्म है मुसलमान जो धर्म है इस्लाम जो धर्म है इस धर्म में चूँकि ये बताया जाता है कि साहब आपको इस्लाम का प्रसार करना तलवार के बूते पे करना बाबर जो आया वो तलवार के बूते पर इस्लाम को फैलाने की बात करके उसने अपना युद्ध जीता और उसकी परिणति हुई राम मंदिर के डिस्ट्रक्शन से तो वहाँ से ये भारत सफ़र कर रहा है आतंकवाद और आज तक ये मुंबई जो है मुंबई शहर और मुंबई शहर जो है वो उसने देखा है यहाँ पे आतंकवाद के कितने हमले हुए हैं चाहे वो 2007 में आ, 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 ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ हो चाहे 2008 में यहाँ पे ताज में अटैक हुआ हो कहाँ था कौन लोग थे किस समाज के लोग थे कहाँ से आए थे अगर हम उनके बारे में बात करें तो क्या ये नाजायज है तो क्या आप ये मानते हैं कि अगर जहां आप कह भी रहे कि धर्म से नहीं जोड़ा गया लेकिन कहीं ना कहीं इधर उधर से धर्म से ही जोड़ा गया ये बात आप मान रहे हैं धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं हम लोग धर्म की बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति आया है पाकिस्तान से वो निश्चित रूप से मुसलमान समाज का व्यक्ति है वो मुसलमान समाज की बात कर रहा है वो अल्लाह अकबर का नारा दे रहा है तो वो तो बात है वो दिखाई जानी पड़ेगी ना हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे कि वो राम राम करते हुए आया और यहाँ पे मस्जिद आपने ताज पर अटैक करके और गोलियाँ चला के चला गया अजमल का साहब जो आया था पाकिस्तान से आया था वो मुसलमान था और वो उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे तो फिल्म में अगर ऐसा दिखाया जाए तो क्या धर्म पे एक्सेप्ट है धर्म पे एक्सेप्ट नहीं है आतंकवाद पे एक्सेप्ट है कहीं ना कहीं जो एक लार्ज मैं कहूँगी पॉपुलेशन है मुस्लिम समाज की जो इंडिया में भी रह रही है या पाकिस्तान की भी बात की जाए जहाँ हम कहते हैं सेकुलरिज्म की बातें तो ऐसे में उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हो पाना क्योंकि सेंट्रलाइज किया जा रहा है जनरलाइज़ किया जा रहा है उनकी इस सोच को या उनके रिलीजन को तो ऐसे में आप इसे किस तरह से देखते हैं क्योंकि आपने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है देखिए शुरू से हम लोग ये बात बोल रहे हैं फिल्म आतंकवाद की बात कर रही है और आतंकवादियों की जो जो दहशतगर्दी जो टेररिज्म जो हुआ है हमारे हमने इथिय से आई थिंक शायद हिंदुस्तान इसको विटनेस करता चला आ रहा है हमने बड़ी कहानियाँ सुनी है कोई ही शायद ऐसा शहर होगा जो इससे अछूता रहा हो ऐसे संजीदा विषय के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर कहानियाँ सिमिलर हैं आ, बहुत सारी टेररिस्ट आउटफिट्स जिनके लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने फिदाई इन अटैक सुसाइड बॉम्बिंग जो की है उनकी सिमिलर कहानियाँ होती हैं वही सेटअप से आए हुए लोग हैं वही टेरर आउटफिट्स के हैं तो जब आप उनकी बात करते हैं तो उनके तौर तरीके हाव भाव भाषा और उनका बिलीफ सिस्टम वो कहीं ना कहीं फिल्म का हिस्सा होता ही है लेकिन इसको टैर्रज़म को मैं स्पेशली टेर्रज़म की बात कर रहा हूँ इसको धर्म के साथ मत जोड़िए बिकॉज टेररिज्म की बात अब कुछ अगर एक इस्लामिक टेररिस्ट आया है और उसने जो जिस तरीके से इस बात को कहा है आप उसको किसी और तरीके से कैसे दिखाएंगे आप वैसे ही दिखाएंगे ना जैसे उसने किया है तो ये वही बात है इसके ऊपर कुछ लोगों का ये मानना है कि आप एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हो मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी में कही हुई बात है दोनों को अलग रखिए हम इस्लामिक टेररिज्म की बात कर रहे हैं वो भी इसलिए कि वो जो सर्टेन आउटफिट्स जो इस तरीके के और सब वो सबको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं वो एक बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं लोग उससे अलग भी सोचने वाले हैं होंगे और आगे भी होते रहेंगे ये उन टेरर आउटफिट्स जो ऑपरेट करते हैं हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर ये उन लोगों की मॉडर्स ऑपरेंडी मेथोडोलॉजी जिस तरीके से वो बरगलाते हैं देखिए एक बहुत अहम बात जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं ये फिल्म बात करती है उस चीज़ के बारे में कि जब एक टेररिस्ट के हाथ में या एक कॉल्ड सुसाइड बॉम्बर के हाथ में जब वो उसकी बॉडी पर सुसाइड वेस्ट पहनने से पहले उसके हाथ में ए के फोर्टी सेवन आने से पहले और इस सबसे कहीं पहले एक विचार प्लांट किया जाता है वो थॉट जिसके लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ जो ज़िंदगी उसे मिली है उसको गंवाने को तैयार है ये उस आइडियोलॉजी की बात कर रही है उस थॉट प्रोसेस की बात कर रही है उस या बेहतर होगा मैं कहूँ उस डॉक्टरिन की बात कर रही है कि क्या है वो विचार जो उसे दिया जाता है जिसके सामने फिर हर और कोई चीज़ मायने नहीं रखती फिर उसकी बात कर रही है उस मुद्दे पर बात करने की बजाय हम डिबेट होकर और चीज़ों की बात कर रहे हैं हम हमेशा से यही है फ़िल्म के ट्रेलर टीज़र हर जगह पर अगर आपने देखा है तो वो सिर्फ टेररिस्ट हैं और उनके काम करने के तरीके अपने कामों को अंजाम देने के तरीके के बारे में ही बात हो रही है जी ऐसे में क्योंकि आपने फिल्म डायरेक्ट की है मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने से पहले कितना आ, आपने इसमें रिसर्च आपका इन्वॉलमेंट रहा है रिसर्च पार्ट में ऑल्सो जब कोई फिल्म बनाते भी हैं तो उसमें काफ़ी सारी सिनेमेटिक लिबर्टी भी ली जाती है सोच की लिबर्टी ली जाती है इस फिल्म में वो कितना देखने को मिलेगा देखिए ये फिल्म बहुत सारी घटनाएँ जो हिंदुस्तान में हुई हैं या हिंदुस्तान के बाहर हुई हैं उनसे सबसे प्रेरणा ली गई है लेकिन ये किसी एक विशेष घटना के ऊपर बेस्ड फिल्म नहीं है जब आप एक फिल्म कहते हैं तो आप कहीं से एक थाट लेते हैं उसके इर्द आप एक कहानी बुनते हैं जो हर एक फिल्म का फॉर्मेट होता है उसी तरीके से ये फिल्म कहने की बात की गई है जो हाँ ये टेररिस्ट के नज़रिए से कही हुई कहानी है जो लोग ये निकल आते हैं तो इसके लिए इसमें ज़्यादा जो लैंग्वेज है जो बातचीत का तरीका है उनका जो मॉडल ऑफ्रेंडी है वो लोगों को लग रहा है कि वो किसी विशेष चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है क्योंकि वो आए वहाँ से हैं तो इसलिए उनको ऐसा दिखाया जा रहा है एक दूसरी चीज जो आपका सवाल था कि ये किसी एक घटना के ऊपर विशेष तौर से एक घटना पर बेस नहीं है बल्कि बहुत सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन लेके एक कहानी बनाई गई है रिसर्च का पार्ट कि आपने खुद ने कितना इस पर रिसर्च किया देखिए जब आप किसी भी फिल्म के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट को अटैम्प्ट करते हैं तो आपको बहुत रिसर्च करनी होती है लेकिन अगर आप किसी गंभीर विषय को उठा रहे हैं जिसके ऊपर कि लोग स्क्रूटनी करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठेंगे उसके ऊपर आपको ज़्यादा करनी पड़ती है तो चाहे वो भाषा हो उनका काम करने का तरीका हो जिस लैंग्वेज हो जो आपको ट्रेलर से थोड़ा बहुत अंदाजा लगेगा कि वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो बहुत ऑथेंटिक हो एक्टर्स uh, ने भी इवन बाकी क्रू मेंबर्स ने भी इसके अंदर बहुत पार्टिसिपेट uh, किया है सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये कहूँगा कि टू हंड्रेड परसेंट दिया है वर्कशॉप से लेके हर चीज़ के अंदर उसको ऑथेंटिक रखने के लिए तो ये सिर्फ अकेला मेरा नहीं बल्कि पूरी टीम का इसके अंदर योगदान है जी आपसे जानना चाहूँगी कि प्रोड्यूसर से अक्सर मोनिटर सवाल ज़्यादा करने चाहिए मोटिवी वही होता है पैसे लगाने का ऐसे में जहाँ जो ट्रेलर भी सामने आया है वहाँ मैंने कई सारे कॉमेंट्स भी पढ़े तो जो मुस्लिम लोग हैं वो तो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है इस फिल्म को देखने के लिए या फिर काफ़ी यू नो अपनी राय भी रख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है इस फिल्म को देखने के लिए वो एक हिंदू समाज ही होगी या फिर आ, कुछ लिबरल लोग होंगे ऐसे में जो कि मुस्लिम समाज है जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया का भी क्या लगता है उन्हें आपको टारगेट नहीं करना है देखिए इसमें ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसमें फिल्मों को नहीं बांटा जाना चाहिए और ना ही दर्शक को हम ऐसे सेग्रीगेट कर सकते हैं कि साहब ये हिंदू देखेगा मुसलमान देखेगा और ये फिल्म जो है वो सबके लिए है ये अभी सोच बना रहे हैं कि आ, फिल्म जो है वो हिंदू समाज ही देखेगा मुसलमान नहीं देखेगा मेरे को लगता है कि जब फिल्म पूरी तरह से देखी और समझी जाएगी तो मुसलमान समाज और उत्सुकता है और ज्यादा उत्साह से उसको देखने जाएगा भरोसा रखते हैं कि ऐसा हो बिल्कुल मैं बिल्कुल मैं भरोसा रखता हूँ कि सब लोग देखेंगे आप इस बात में कितना भरोसा रख रहे हैं कि फिल्म अच्छा प्रदर्शन करेगी एक जो सोच आप लेकर आए हैं या जो मैसेज है जो ट्रेलर में हम शायद उस तरह से नहीं ले पा रहे देखिए जब आप किसी फिल्म के ऊपर काम करते हैं शुरू करते हैं जब आइडिया आपको आता है तभी से आप ये चाहते हैं ये आपकी इच्छा होती है कि लोग उसको देखें सराहें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें वही मेरी है आ, मैंने मैं इतना ही कहूँगा ईमानदारी से जिस सब्जेक्ट को मैंने चुना जिस स्क्रिप्ट को मैंने चुना उसके साथ में ईमानदार रहने की कोशिश की है नीयत कभी किसी को हट करने की नहीं थी लेकिन अपनी बात को कहने के लिए अगर कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया हो तो वो ज़रूरी होगा उसके लिए किया गया और कुछ बातों को आप हल्की भाषा में कह भी नहीं सकते तो सिर्फ ये फिल्म के नज़रिए से देखिए इसको यह फिल्म है और उससे ज़्यादा हाँ मुझे लगता है कि जो लोग इसके बारे में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या इसके बैन की मांग कर रहे हैं या इसको विवादस्पद बोल रहे हैं वो नंबर कम ही है बाकी के लोग आएंगे और उनको ज़रूर देखनी चाहिए ये फिल्म बिल्कुल हम भी यही चाहेंगे कि सात जुलाई को थिएटर्स में ढेर सारी भीड़ लगे कैमरामैन मैन वहादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा आज तक